भारत एक ऐतिहासिक देश है, ये बात तो आप लोगों को भली भांति पता ही होगा। भारत में कई सारे राजाओं पहले राज कर चुके हैं, जो वीर योद्धा हुआ करते थे। ये कहानी शायद आप लोग किताबें में जरूर पढ़े होंगे। चलिए आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि लाल किला को किसने बनाया। शाहजहां ने 12 मई 1938 को लाल किला का निर्माण करना शुरू कर दिया था। मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के फैसले के बाद लाल किले का निर्माण करना शुरू कर दिया। शाहजहां ने 12 मई 1938 को लाल किले का निर्माण करना तो शुरू कर ही दिया था। मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के फैसले के बाद लाल किले का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया था। लाल किले को लाल पत्थरों से निर्मित किया गया है और इसी वजह से इसका नाम लाल किला पड़ा। इस किले के निर्माण में 10 साल लग गए थे। इस किले को एक दीवार से घेर रखा है। इस दीवार की लंबाई लगभग 2.41 किलोमीटर बताई जाती है। लाल बलुआ पत्थर से 10 वर्षों में इस किले का निर्माण हुआ था। शाहजहां ने 1648 में इस किले में रहने आए थे। यहां किला 2.4 किलोमीटर की चहरदीवारी में बना हुआ है। किले का निर्माण 254.67 एकड़ जमीन में फैला हुआ है। विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किले का निर्माण काम की शुरुआत मुगल साम्राज्य शाहजहां के द्वारा 1638 ईस्वी में कराई गई थी। भारत के इस भव्य लाल किले का निर्माण काम 1648 ईस्वी तक करीब 10 साल तक चला। शाहजहां के द्वारा बनाई गई सभी इमारतों का अपना अलग अलग ऐतिहासिक महत्व है। मुगल काल में इसे किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता था। लाल किला मुगल शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद का महल था। यह दिल्ली शहर की 7वीं मुस्लिम नगरी थी, जिस मुगल साम्राज्य की नींव मुगल बादशाह बाबर ने 16वीं सदी में रखी थी। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला देश की आन बान शान और देश की आज़ादी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप लोग भी इंडिया से सच्चा प्यार करते हैं तो एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करना।